गुरुजी, मेरा नाम विपिंदर कुमार है जी। मैं करनाल से हूँ, वैसे गुड़गांव में जॉब करता हूँ आईटी कंपनी में जी। जी जी। यहाँ से पहले जो मेरा क्वेश्चन है, एक महीने पहले से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बताया था या मैंने जहाँ भी पढ़ा था, तो मैं माथे के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर ध्यान करके अभ्यास कर रहा था। जब मैं अभ्यास करता हूँ तो अभी भी जैसे मैं बीच बीच में मैं उसी पद्धति पर जा रहा था, बार बार बाय मिस्टेक ही मैं फिर वापस आ रहा था, तो वहाँ पे बहुत 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 तेज़ जो है ना मेरा सर दर्द होता है, और यहाँ पे कुछ घूमता है जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, यहाँ तक आता है, मैं फिर कोशिश करता हूँ उसको यहाँ से लेके। तो इस पद्धति से मैं कर रहा था, वो पद्धति क्या गलत थी या फिर मतलब उसमें मेरे को सर में बहुत तेज़ दर्द होता है उसमें, उस वो करते हुए उसको। पद्धति किसकी है, वो कहाँ से अपनाई पद्धति? कई कोई पद्धति मेरे को भी याद नहीं है, बस मेरे को पता था कि यहाँ पर ध्यान लगाना है। चलो कोई बात नहीं, देखो मन को आप जहाँ पर एकाग्र करेंगे उस क्षेत्र की जो सूक्ष्म नाड़ियाँ होंगी वो क्रियाशील होगी, एक नियम है। अब मन और प्राण दोनों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। मन को जहाँ एकाग्र करेंगे वहाँ प्राण क्रियाशील हो जाएगा। जैसे उदाहरण में आप मन को उंगली के आखिरी जगह पर केंद्रित करें, अभी अगर कोई भी साधक देखे तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा, मगर अगर अभ्यास बराबर करें तो ऐसा लगेगा इसके अंदर कुछ रेंग रहा, ऐसे करके आप टकटकी लगा करके देखते रहें तो कुछ समय बाद या दो चार दिन बाद या हफ्ते दो हफ्ते बाद लगेगा इसके अंदर कुछ गुदगुदी हो रही है या रेंग रहा। और होता क्या है, प्राण क्रिया करता है, प्राण वैसे क्रिया कर रहा है खून के साथ मिल के, ऑक्सीजन आ रही जा रही, लेकिन जब मन को केंद्रित करेंगे तो तेज गति से क्रिया करता है। हमने बोला कि मन को आज्ञा चक्रवर्त और सहस्त्र पर केंद्रित करें, तो आप किसी भी पद्धति से आप मन को आज्ञा चक्र पर जब केंद्रित करेंगे वहाँ जो आसपास या उस स्थान पर सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं जो वो सुषुप्त अवस्था में पहले होती हैं, लेकिन जब मन को आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं वहाँ पर रोकने का तो उस क्षेत्र की नाड़ियाँ क्रियाशील हो जाती हैं, उसके अंदर जो तमोगुण भरा होता है अर्थात नाड़ियाँ जो रुकी होती हैं सूक्ष्म नाड़ियाँ, तो उसके अंदर प्राणवायु दबाव दिया करता है क्रियाशीलता के लिए, शुद्ध होने के लिए। तो वो जो शुद्ध हो रहा है या प्राण इधर उधर गति करने की कोशिश कर रहा है या तमोगुण कम हो रहा है वहाँ की नाड़ियाँ शुद्ध हो रही हैं, मतलब एक ही बात, तो वो हलचल ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गुदगुदी हो रही है, खुजली सी हो रही है, चीटियाँ सी चल रही हैं या कुछ हो रहा है, तो साधक को यही महसूस होता है। अगर उस जगह तमोगुण ज़्यादा भरा हुआ मन को केंद्रित कर रहा है तो कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि यहाँ पर भारीपन हो रहा है, यानी जैसा भारी भारी हो गया, या हल्का सा दर्द महसूस होता, तो इस जगह होगा तो थोड़ा इधर उधर, जब एक जगह होगा तो कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, तो मन तो एक व्यापक है जगह, मतलब व्यापक क्षेत्र होता है मन की, यानी वृत्ति व्यापक होती है, तो इधर उधर हो सकता, कभी इधर इधर उधर, ज़्यादातर इस क्षेत्र, और वैसे भी यहाँ पर एक ग्रंथि है वो क्रियाशील होती है तो वो अनुभूति कराती है। कुल मिलाकर के प्राण क्रियाशील होता है, उसकी अनुभूति विभिन्न रूप से साधकों को होती है। तो वही है, जो भी हो रहा था ये तो सही हो रहा था, सभी साधकों को महसूस होगा, तो इसके लिए बताया गया है वही शुद्ध यानी शुद्ध भोजन करो तब भी होगा, मंत्र जाप करो, प्राणायाम ज़्यादा करो, त्राटक करो, त्राटक करेंगे तो यहाँ तो और भी ज़्यादा होगा, यानी ये क्षेत्र क्रियाशील होने लगेगा। तो ये क्रिया सही थी, गलत नहीं है, प्राण क्रिया कर रहा और ऐसे ही नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। धन्यवाद। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.